अस्सलामुअलैकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड, नई सड़क और नई मंजिल। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सवात मोटरवे पर, जो कि रिसेंटली ही फुली ऑपरेशनल कर दी गई है। इस सड़क के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आप फ्रेंड्स की सजेशंस थी और मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा इस सड़क पे सफ़र कर रहा हूँ। आज हम चल के देखेंगे इस सड़क पे कौन कौन सी इंटरचेंजेस बनी है, टनल्स कितनी हैं और किन किन शहरों का इसका फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले जब आप सवात जाते थे तो रशा कई इंटरचेंज से आपको मुड़ना होता था, जिसमें मर्दान, शेरगढ़ और बठेला जैसे शहर आते थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ती थी। इस सड़क के बनने से ये सारे शहर बाईपास हो गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से सवात का जो 6 घंटे का रास्ता था वो सिमट कर अब 3 घंटे का रह गया, और ये बहुत बड़ा इनकलाब है। सवात मिंगोरा कलाम की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, ये सड़क उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ रहिएगा। सवात एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए आप सफ़र करेंगे इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे यानी M1 पर। ये एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से स्टार्ट होती है और चकदरा तक जाती है। इस सड़क के बनने से मर्दान, तख्त भाई और बठेला जैसे शहर बाईपास हो जाते हैं, जिससे वक्त की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 6 एग्जिट्स हैं, जिसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर बनती है, जबकि इस पर सफ़र करने का टोल टैक्स 160 रुपये अदा करना होता है। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस्लामाबाद से मंगोरा जाने के लिए आपका 3 घंटे का वक्त बचता है। मेरा सफ़र कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शुरू हो रहा है, जो कि M1 पर वाकया है। ये सड़क क्योंकि अभी नई नई बनी है, इसलिए ड्राइविंग का अपना ही निज़ाम फील हो रहा है। सवात एक्सप्रेसवे पर पहला एग्जिट 10 किलोमीटर बाद ही आ जाता है, और एग्जिट आने से पहले आपको साइन बोर्ड भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये पहला एग्जिट दोबिया मर्दान जाने के लिए है। इस इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद आपको पहाड़ों की धुंधली सी तस्वीर नजर आने लगती है, जो कि मालागंज डिवीजन में वाकया है। दूसरी इंटरचेंज के आने तक सड़क बल खाती हुई खेतों में से गुजरती है और इर्द गिर्द का माहौल मजीद खुशगवार बना देता है। दूसरी एग्जिट को इस्माइलिया इंटरचेंज कहा जाता है। ये सवात एक्सप्रेसवे की अहम इंटरचेंज है, जो सवाबी और मर्दान जाने वाले यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई छोटे शहर भी इसी इंटरचेंज से एग्जिट लेकर आते हैं। इस्माइलिया इंटरचेंज के बाद एक वैली सी बन जाती है, इर्द गिर्द के खेतों के पीछे पहाड़ आ जाते हैं और मंजर ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है।
सड़क का निज़ाम सफ़र के साथ साथ बेहतरीन होता जा रहा है और हम पहुंच गए हैं सवात एक्सप्रेसवे की तीसरी एग्ज़िट पर। यहां से बख्शाली और सावल ढेर जाने वाले एग्ज़िट हो जाएंगे। बख्शाली इंटरचेंज के कुछ देर बाद आपको सर्विस एरिया के बोर्ड भी नज़र आने लगते हैं। सर्विस एरिया में टक शॉप, मस्जिद, वॉशरूम और टायर शॉप की सहूलत मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं बना। पाटलंग सर्विस एरिया के बाद सवात एक्सप्रेसवे का चौथा एग्ज़िट आता है। इस एग्ज़िट को इस्तेमाल करते हुए आप काटलंग और बाबूजई जा सकते हैं। इसको बाबूजई इंटरचेंज कहा जाता है। बाबूजई इंटरचेंज के बाद सड़क इस एरिया में दाखिल हो जाती है जहां पहाड़ काटे गए हैं, और बेहतर ये है कि आप स्पीड थोड़ी कम कर दें। सवात मोटरवे की पांचवी एग्जिट पलई इंटरचेंज है, जो दरगई और बुनेर जाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे सड़क पर आपको कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क भी नजर आता है। पलई इंटरचेंज के बाद सवात एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा आता है जो हाल ही में ओपन किया गया है। पहले आपको यहां से पुराने रूट पर जाना पड़ता था, मगर अब टनल्स खोल दी गई हैं और सड़क सीधी चकदरा तक जाती है। पहली टनल में लाइटिंग का काम अभी किया जा रहा है और ये कदरे छोटी टनल है। दूसरी टनल पर भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और अभी सिर्फ एक टनल को दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया है।
स्वात मोटरवे की तीसरी और आखिरी टनल सबसे लंबी है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ एमरजेंसी लेन, फायर एक्सटिंग्विशर, एमरजेंसी कॉल जैसी तमाम सहूलियात दी गई हैं और अभी के लिए यहाँ की स्पीड लिमिट 15 किलोमीटर रखी गई है गाड़ियों के लिए। सवात मोटरवे का सफ़र मेरा चकदरा इंटरचेंज पर आकर ख़त्म हो गया। यहाँ से मैं आगे जाके राइट हो जाऊँगा, दरिया के साथ साथ तकरीबन आधे घंटे में मंगोला पहुँच जाऊँगा। M1 मोटरवे से जब मैंने कर्नल शेर खां इंटरचेंज से स्टार्ट किया था और चकदरा पहुँचने में नॉर्मली आपको 4.5 से 5 घंटे लगते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा शहर भी आते थे जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब ये सफ़र सिमट के तकरीबन 1.25 घंटे का रह गया है और नहायत खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की सड़क बनी है और रास्ते में एक सर्विस एरिया भी आया था, लेकिन अभी पेट्रोल पंप की सहूलत नहीं है और सर्विस एरिया ऑपरेशनल हो चुका है, जहाँ पे मस्जिद, वॉशरूम और आपको टक शॉप और खाने की सहूलियत दी गई है। और रास्ते में 3 टनल्स आई थी, एक लंबी टनल थी तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब थी, बहुत ही खूबसूरत, और अभी वहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है। तो सवात एक्सप्रेस वे का सफ़र मेरा आज यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये सफ़र और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ग्रिपोन ट्रिप का सफ़र दाखिल हो चुका है वादिय सवात में और अब मैं आपको टर्की सीरीज़ के साथ साथ दिखाने वाला हूँ पाकिस्तानी स्विट्ज़रलैंड और बताने वाला हूँ कि महूडंड झील पर अक्टूबर के महीने में सर्दी का क्या निज़ाम होता है, और लेकर चलूँगा आपको वयून टॉप पर और दिखाऊँगा आपको मालम जब्बा की रौनकें। तो तैयार हो जाएं ग्रिपोन ट्रिप की ब्रांड न्यू सीरीज सवात द पैराडाइज के लिए। और अगर आप तुर्की के सबसे अहम तारीखी मॉन्यूमेंट तकसीम स्क्वायर की कहानी सुनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के वक्त क्या एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल में क्यों है, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपोन ट्रिप में मेरा ये सफ़र जारी है, मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।